हेलो एवरी वन आई होप दैट ऑल डूइंग वेल दिस इज मी सैयदुल्ला वेलकम टू इखरा आई एस करना चैनल चैनल को सब्सक्राइब करिए और हिट द बेल अकाउंट सो दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको तो पता है लास्ट दो दिन से हम कर रहे हैं बजट रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिटेल डिस्कशंस आपके जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन आने वाले हैं जून में उसके लिए ठीक है ये पूरी सीरीज उसके लिए ही चल रही है सो so दैट आपके कॉन्सेप्ट के साथ साथ इकोनॉमी के वेरी ट्रिकी क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा और और आपके जो भी कॉन्सेप्ट धुंधले हैं थोड़े बहुत ब्लर हैं उसका एनरिचमेंट भी हो जाएगा ये पर्टिकुलर क्लास में सो so, पहले दिन हम बजट में करे हैं मिनिस्ट्री वॉइस लोकेशन तो दोज वॉर मी फॉर द वेरी पर्सन जो पहली बार मुझे सुन रहे हैं वो आप लास्ट के टू वीडियोज़ देखिए आप बजट में कंटिन्यूशन से है बोले जैसा राइट right. और एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इतना डिटेल बजट यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है ओके okay, ये एक ऐसा बजट ओके okay, वीडियोस हम चल रहे हैं हम सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें इट्स ए वेरी यूनिक वन वेरी यूनिक ऑन टोटल यूट्यूब में ही कम्प्लीटली क्योंकि यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम गिविंग यू द व्हाट स्टैटिस्टिक्स और जो हुआ था बजट स्पीड में मैं इसके प्रोवे प्रॉपरली एलोबरेट डिस्कशन भी कर रहा हूँ सो so, आपके इकोनॉमी की जो भी है प्रीलिम से पहले एनरिचमेंट हो जाएगी रिविजन हो जाएगा और आपके जो भी बजट में न्यू इनिशिएटिव्स है वो भी आपको मालूम हो जाएगा ठीक है राइट right. सो so, पहले दिन हम कर रहे थे मिनिस्ट्री वाइज एलोकेशन कल हम करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेट टैक्सेबल इनकम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैक्सेबल इनकम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैक्स रिबेट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्जीशन डिडक्शन उसके इंप्लीकेशन क्या है और बहुत सारा बेसिक फैक्ट्स अमृतकाल का मतलब क्या है उसके चार पिलर्स क्या है सो so, जो जो, जो बजट में बजट के करंट स्टैटिस्टिक्स एलॉन्ग विद कॉन्सेप्ट ओके इस तरीके से हम जा रहे हैं ये पर्टिकुलर सीरीज में ठीक है तो दो हो चुके हैं अपना ये तीसरा वीडियो है और जोज वॉर वॉचिंग मी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम प्लीज आप पिछले दो वीडियोस भी वॉच कर लीजिए सो यू एटलीस्ट बजट रिलेटेड इकोनॉमी रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं आप उसमें बेहतरीन करेंगे ये मेरा आपसे ओके श्योरिटी है आप श्योरिटी ठीक है चलो अभी हम क्या करेंगे आज हम पढ़ने वाले फिर से सेम वही कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन भी होगा बीच बीच में और स्टैटिस्ट भी मैं दूंगा स्टैटजी पार्ट थ्री है ये लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट आइटम्स बिकेम चीपर एंड कॉस्टलियर ओके बिकॉज ऑफ द बजट के जो भी टैक्सेशन रेट्स के वजह से कौन से इंपॉर्टेंट हमारे डेली रूटीन के आइटम्स कॉस्टली हुए हैं और डेली रूटीन के आइटम्स महंगे हुए हैं क्यों ये हम पढ़ रहे हैं सर ये आता नहीं आता इसमें तो कुछ ये कुछ खास बात नहीं दिख रही सर ये उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है बट आप क्यों पढ़ा रहे ये क्वेश्चन आ सकता है आप जाके देखिए पिछले थर्ड टू के पेपर में देखिए आप जी के रेट्स ओके okay, कौन से कौन से आइटम्स पे पाँच है ये क्वेश्चन पूछा गया था जी के रेट सो उसको मद्देनजर रखते हुए मैं ये आई डोंट वांट टू लिव दिस ये मैं छोड़ना नहीं चाह रहा कि छोटी चीज़ है पढ़ लिए तो हो ही जाता रही क्योंकि बजट की स्पीच में वो पार्ट था और उसके बाद में हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ बिफोर एस्टिमेट्स का मतलब क्या है रिवाइज एस्टिमेट्स का मतलब क्या है एडवांस एस्टिमेट्स का मतलब क्या है और एक भी हम पढ़ेंगे जिसका नाम है एक्चुअल्स इसका क्या है ठीक है रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर डिटेल का एक चार्ट है हम वो भी पढ़ेंगे बजट में इसके बिना कुछ काम नहीं हो सकता आपको तो पता है गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या क्या है टू रिसरेक्ट इकोनॉमी वो भी हम पढ़ लेंगे अपार्ट फ्रॉम दैट आज का सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा ट्रांसपोर्टेशन बजट में कितना बजट दिए हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए और रोडवेज रेलवेज शिपवेज एयरवेज इसको किस तरीके से डेवलप करना चाह रही है गवर्नमेंट नेक्स्ट पाँच छः साल में उसका एक प्रॉपर विजन डॉक्यूमेंट है अपने पास और हम पढ़ेंगे ये तीन इंपॉर्टेंट स्कीम्स विच मे कम इन द एग्जामिनेशन सो आई गेस आपको एक ओवर में मिल गया होगा स्टे एंड फोकस करिए आपके दोस्तों से भी शेयर करते रहिए सो सोट आप शेयर करेंगे आपको ये फायदा होगा और बच्चों को भी फायदा होगा ठीक है फाइन गेट्स चीपर गेट्स चीपर मोबाइल फोन चीपर हो जाएंगे मोबाइल फोन चार्जर्स भी चीपर हो जाएंगे लेदर प्रोडक्ट्स क्लॉथिंग चीपर होगी फार्मिंग गुड्स ओके चीपर होंगे जिम स्टोन एंड आप गिफ्ट कर सकते हैं एनिवर्सिटी के या आ, दिन ये ये में मिल रहे हैं आपको राइट कस्टम ड्यूटीज ऑन केमिकल्स फॉर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पेट्रोलियम प्रोडक्ट जिस तरीके से ग्रीस है पॉलिशिंग है मटेरियल्स रहते हैं ये वैक्स है ये जो भी है ये दे आर कॉलेज वॉट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स तो ये जो इम्पोर्ट करना है या एक्सपोर्ट करना है उसके ऊपर कम रहेंगी ड्यूटी ठीक है तो ये पूरे चीपर होने वाले हैं क्या कॉस्टलियर हो जाएंगे धुमधा का जो भी है ये ओके ये कॉस्टली हो जाएगा ओके होली में रिसेंटली हमारे पास आ, बड़े बड़े स्पीकर्स लगाए थे वी एंजॉयड अलॉट तो ये स्पीकर्स कॉस्टली हो जाएंगे ओके किराया भी ज्यादा हो जाएगा रेंट का हेडफोन्स एंड ईयरफोन्स जो कि आजकल का लाइफ है गवर्नमेंट को ही पता है ये बच्चे तो कान में लगा के घूमेंगे ही घूमेंगे तो बेटर है कि इसको ज़्यादा कर दो तो, ठीक है क्योंकि ये ऑलरेडी आपके मोबाइल में स्पीकर है तो भी आप एक आराम से ये ले रहे हैं ईयरफोन या आप वायरलेस ईयरफोन ले रहे हैं तो इसका मतलब है आपके पास पैसे ज़्यादा है तो गवर्नमेंट ये सोच रही है कि चलो भाई ऑलरेडी फ़ोन का स्पीकर से ज़्यादा इनको कुछ और ही अटैचमेंट चाहिए तो और अटैचमेंट के लिए इतना पैसा है तो पैसे तो दे सकते हैं तो कॉस्टलीर होने वाले हैं इमिटेशन ज्वेलरी है इमिटेशन ज्वेलरी इज़ नथिंग बट विच इज़ नॉट प्योरली गोल्ड विच इज़ नॉट प्योरली डायमंड तो ये सिर्फ़ गोल्ड कलर में डायमंड के जैसे ऐसे होते हैं बट नॉट प्योर फॉर्म डुप्लीकेट होते हैं ठीक है ये इमिटेशन ज्वेलरी कॉस्टली होने वाली है ओके ड्यूटीज ऑन अम्ब्रेला इंक्रीज टू ट्वेंटी परसेंट ये कुछ अनऑर्थोडॉक्स आप समझ सकते हैं ये कि ये सडनली ये शॉकिंग और सरप्राइजिंग था सबके लिए कि अम्ब्रेला पे क्यों ठीक है ये तो आ, देखो गरीब का छाता किसका होता है गरीब का ही होता है राइट अमीर तो फिर कार में जाएगा तो उसको वैसे भी फर्क नहीं पड़ेगा कि बाहर धूप हो या पानी पर बारिश हो उसको तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा तो छाता तो भाई गरीब लोगों की एक इम्पॉर्टेंट वेपन uh, है टू प्रोटेक्ट दमसेल्फ फ्रॉम हीट रहो या uh, बारिश रहो ये क्यों इंक्रीज करे ये तो, तो शॉकिंग था बट ये जो लिस्ट आउट किया गया तो उसमें ये भी है ठीक है सो आई गेस दिस इज कम्प्लीट नाउ आपको समझ में आ गया कॉस्टलियर आइटम्स क्या होने वाले हैं चीपर आइटम्स क्या होने वाले हैं नाउ लेट अस गो अहेड ओके रिसिप्स एंड एक्सपेंडिचर्स रिसिप्स एंड एक्सपेंडिचर्स इसको भी हम डिटेल में देख लेंगे ठीक है सो विल न्यू स्लाइड फॉर यू ठीक है अभी समझिए मैं आपको समझा दूंगा ये पूरे ठीक है आपको एक फंक्शन करना है आपको एक कॉलेज में फंक्शन करना है कॉलेज फेस्ट है कॉलेज आपका फेस्ट है तो आप क्या करेंगे पूरे कॉलेज के बच्चों से पैसे कलेक्ट करेंगे रेड एंड रॉन्ग ठीक है तो आप एक कोऑर्डिनेटर है या आप ये मैनेजर है ये पूरे इवेंट के तो आप बच्चों से बोलेंगे कल सब पांच सौ ले ले क्या हो तो आप ये फंक्शन पूरा ये पूरे फंक्शन जो भी आप प्लान कर रहे हैं ये पूरे फंक्शन के लिए आपको चाहिए दस लाख रुपए ये पूरे फंक्शन के लिए आपको चाहिए आपके हिसाब से आप जो भी प्लान करें हैं उसके हिसाब से आपको कितने चाहिए दस लाख रुपये चाहिए तो इस हिसाब से आप बच्चों को बोलेंगे भाई सो पांच सौ रुपये ला के दो सो पांच सौ रुपये ला के दो ये हो गया एडवांस एस्टीमेट पहले ही पांच सौ रुपये बच्चे पूरे दे देंगे देने के बाद दस लाख रुपये हो जाएंगे वो पूरे इकट्ठा करने के बाद दस लाख हो जाएंगे दस लाख हो जाएंगे तो फंक्शन कैरियर हो गया ये हो गया एडवांस एस्टिमेट हम एडवांस ही एस्टिमेट कर लिए कि इतना पैसा आने वाला है और इतना एक्सपेंडिचर हम करने वाले हैं क्योंकि ये फंक्शन करने के लिए एक्सपेंडिचर ओके okay, पैसे है जो आ रहा इसको बोलेंगे हम रेवेन्यू इतना पैसा आने वाला है इतना पैसा हम फर्स्ट में लगाएंगे ठीक है एडवांस एस्टिमेट हो गया बट क्या हुआ बहुत सारे बच्चे बिकॉज ऑफ पैंडमिक बिकॉज ऑफ सम रीज़न या मैनेजर अच्छी जगह पर नहीं कर रहा है तो फिर पैसे नहीं दिए बहुत सारे बच्चे तो ये कितना हो गया ये मैनेजर को मालूम हो गया कि रिस्पॉन्स लास्ट डेडलाइन है पच्चीस मार्च तक दे देना दे देना नोटिस पे लगाते जा रहे हैं लाउड स्पीकर पे बोलते जा रहे हैं और के टीचर्स भी क्लास टीचर्स भी बोलते जा रहे हैं क्लास में आके अनाउंस करते जा रहे हैं कि पैसे दे दो पैसे दे दो पे उतना अच्छा खास रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो ये मैनेजर क्या करेगा भाई दस लाख का तो इवेंट हो जैसा नहीं दिख रहा चलो इसको सात लाख कर देते हैं ओके सात लाख कर देते हैं क्योंकि कलेक्शन उतना हो नहीं रहा है क्योंकि एज अ डे पास कलेक्शन उतना ज्यादा हो नहीं रहा तो दस लाख का नहीं हो सकता तो यहां पे जो दस लाख की जो डिमांड थी वो कम होकर गया सात लाख गई इसको हम बोलेंगे तो आपके जो भी थे पैसे कम आने की वजह से आपको उसको रिवाइज करना पड़ा ठीक है तो अब आप, अब आप, आपका फेस का प्लान कितना हुआ है सात लाख ओके सात लाख का रिविजन है ठीक है तो ये हो गया रिवाइज एस्टिमेट ठीक है उसके बाद में होगा आपके पास रिवाइज करने के बाद में पूरा कलेक्ट होने के बाद पूरे पैसे कलेक्ट होने के बाद आप कितने में ये फंक्शन करेंट हुआ एक्चुअल करे? करे करे? भी बोलते दैट इज कॉल एज प्रोविजनल एस्टिमेट भी बोलते हैं जितना एक्चुअली लगा है और जितना एक्चुअली आया है क्योंकि ये दो भी तो एस्टिमेट ही थे ओके okay. दो भी तो एस्टिमेट ही थे okay. बट एक्चुअली कितना आया कितना लगा दैट इज एज एक्चुअल्स दैट इज ओनली एज प्रोविजनल्स प्रोविजनल एस्टिमेट्स नथिंग बट एक्चुअली कितना आया कितना गया ठीक है आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर इन द सेम वे आप समझिए यहाँ पे गवर्नमेंट भी यही करती है <laughs> गवर्नमेंट भी यही करती है ठीक है गवर्नमेंट भी हर साल ये प्लान कर लेती है ठीक है गवर्नमेंट ऑल्सो प्लान्स एवरी ईयर गवर्नमेंट प्लान ऐसा करती है कि पावर्टी ओके नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट सबको खाना देने के लिए दस हज़ार करोड़ की ज़रूरत है ओके मनरेगा स्कीम चलाने के लिए पाँच हज़ार करोड़ की जरूरत है स्पेस मिशन भेजने के लिए दो हज़ार करोड़ की जरूरत है ट्रांसपोर्टेशन बढ़ाने के लिए इतनी जरूरत है एक्सेट्रा एक्सेट्रा तो गवर्नमेंट उनका प्लान कर लेती है दैट इज कॉल्ड एज एडवांस एस्टिमेट गवर्नमेंट के ये पूरे कैरी आउट करने के लिए लेस सपोज ले सप एक लाख करोड़ रुपए चाहिए गवर्नमेंट को एक लाख करोड़ रुपए चाहिए इतना एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट प्लान कर ली है अब फिर का पैसे कहां से आपके पास पैसे आया था बच्चों के पास पैसे रेवेन्यूज या या कुछ भी प्रॉफिट्स रहो कुछ भी रहो ओके तो यहां से पैसा आएगा तो गवर्नमेंट ये सोची कि इतने सब चीजें इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें प्रायोरिटी है उसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए चाहिए उस तरीके से ये भी एक्सपेक्ट कर रही है जब इतना बहुत बड़ा गवर्नमेंट प्लान कर लेती है तो गवर्नमेंट ये भी प्लान कर लेती है कि इतना पैसा आएगा भी एक लाख करोड़ बट उतना नहीं आया उतना नहीं आ रहा है तो वो हो जाएगा रिवाइज एस्टिमेट जस्ट लाइक हमारा भी रिवाइज हुआ था जब वहां रिमेंबर दिस पॉइंट ठीक है आई होप दिस इज क्लियर टू यू चलो बजट में दो कॉम्पोनेट होते हैं एक तो रिसिप कॉम्पोनेट होता है एक एक्सपेंडिचर एवरी गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट रहो या सेंट्रल गवर्नमेंट रहो इनको ये बताना है कि कितना पैसा गवर्नमेंट के पास आया पब्लिक से और कितना पैसा गवर्नमेंट स्पेंड करी है यह दो भी कॉम्पोनेट का हिसाब देना है ऐसे नहीं कि खाली रिसिप्ट का बोले एक्सपेंडिचर का नहीं बोले एक्सपेंडिचर का बोले रिसिप्ट का नहीं बोले ऐसा नहीं होता एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट देना है आर्टिकल वन आर्टिकल वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस अबाउट द डॉक्यूमेंट ओके विच शोज रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर एंड इट इज कॉल्ड एज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट सालाना

ये बोलिए रेवेन्यू वही गवर्नमेंट हर हर महीना एम्प्लॉज को पैसे भी देना है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को तो गवर्नमेंट के जो भी सैलरीज रहेंगे तो वो बनेंगे गवर्नमेंट के रिसिप्ट रेवेन्यू रिसिप्ट ठीक है सॉरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स बनेंगे क्या बनेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स बनेंगे ठीक है तो क्योंकि क्योंकि गवर्नमेंट को हर महीना करना पड़ रहा है नेचर ऑफ रेवेन्यू क्या है शॉर्ट टर्म नेचर ऑफ कैपिटल क्या है लॉन्ग टर्म मैं हर महीना टैक्स भरना क्या है ये शॉर्ट टर्म है गवर्नमेंट हर महीना सैलरी देना क्या है शॉर्ट टर्म है तो मैं बनना गवर्नमेंट के पास पैसे आ रहे दैट इज कॉल एज रेवेन्यू रिसिप्ट गवर्नमेंट शादी पे कर रही है सो दैट इज कॉल एज एक्सपेंडिचर तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो शॉर्ट टर्म में रिसिट भी आते हैं गवर्नमेंट के पास और शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी करती है इन द सेम वे कैपिटल कैपिटल लॉन्ग टर्म जैसे कि डिस इन्वेस्टमेंट है डिस इन्वेस्टमेंट कैसा है गवर्नमेंट अगर उनकी कंपनी की ओनरशिप किसी को बेच दी तो पैसा आएगा जब ये पैसा आएगा तो पूरे को आ जाएगा राइट क्योंकि इक्विटी जब बेचते हैं जब पैसा जब आता है इक्विटी बेचने के बाद इसमें कोई डेट लाइबिलिटी नहीं होती है ये उधारी नहीं है आपको मैं ओनरशिप दे दिया बस ये चीज अब जो भी आप पैसे देंगे वो मेरे रहेंगे ठीक है तो ये पूरे तरह पूरे को ही आ जाएंगे ना गवर्नमेंट के पास ये परमानेंटली आ जाएंगे गवर्नमेंट के पास राइट तो ये बोलेंगे कैपिटल रिसिप्स डिस इन्वेस्टमेंट इन द सेम कैपिटल एक्सपेंडिचर समझो राफेल के ऊपर करें ओके okay, एक्सपेंडिचर एक ही बार करना है पूरा करना है राफेल के ऊपर इतने बड़े प्लेन्स ले लिए हो गया और एक या फैक्ट्री लगाना है या जोन डेवलप करना है ये बड़े बड़े जो एक्सपेंडिचर्स एक ही बार करना रहता ट्रांसपोर्टेशन है रोड रोडवेज आना है तो ये बड़े बड़े एक्सपेंडिचर लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर है ओके okay, तो ये बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर क्योंकि ये इसका नेचर क्या है लॉन्ग टर्म है नेचर क्या है लॉन्ग टर्म अब गवर्नमेंट की एलपीजी सब्सिडी है गवर्नमेंट की एलपीजी सब्सिडी इसको आप कहां पे कैसे करेंगे एलपीजी सब्सिडी आप देखिए आपके अकाउंट में हर महीना गिरती है एलपीजी सब्सिडी इसका मतलब क्या है हर महीना गिरती है में, हर महीना गवर्नमेंट अपने को पे कर रही है सब्सिडी ये हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर समझो गवर्नमेंट अपनी सालाना सॉरी <coughs> <Sorry. coughs> बाहर जाने का है ओवरसीज पढ़ने के लिए गवर्नमेंट अपने स्कीम दे दी स्कॉलरशिप ये गवर्नमेंट एक ही बार करती है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ ये एक ही बार करती है हर बार तो स्कॉलरशिप नहीं देते ना एक ही बार देते ये हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर समझ गए आप मेरी बात सो रेवेन्यू शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉन्ग टर्म दोनों में भी रेवेन्यू रहो या कैपिटल रहो रिसिप भी होते हैं एक्सपेंडिचर भी होती है उसका मैं आपको प्रॉपर डिस्कशन दे दिया हूँ ठीक है अब देखिए रेवेन्यू रिसीव गवर्नमेंट की इंक्रीज नहीं हुई ओके सॉरी इंक्रीज हुई दो लाख करोड़ से ज्यादा ठीक है बीस से बाईस हुई तो अपन इतना ही देखेंगे ज़्यादा नहीं देखेंगे ठीक है फाइन सो ये देखो दो और बाईस दो हज़ार ओके अभी हम कर दिए हैं बिफोर एस्टिमेट्स बिफोर एस्टिमेट्स को आप बोल सकते हैं एडवांस एस्टिमेट्स भी ओके okay, ये दो भी सेम ही होते हैं ऐसा कुछ नहीं है ओके सो गवर्नमेंट ये सोच रही है कि अभी आ, इतना पैसा गवर्नमेंट के पास मार्च थर्टी तक आ जाएगा ये फिजिकल ईयर में 2021 और 22 में जो कि फाइनेंशियल अभी चल रहा है मार्च थर्टी को ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा और जो भी बजट फेरवरी में प्रेजेंट करे ना वो बजट पूरा अप्लीकेबल होगा दो से लेकर दो तक ठीक है राइट right. फाइन तो गवर्नमेंट ये सोचती है कि इतना पैसे आएगा और आगे नेक्स्ट ईयर में इतना बनाएंगे ओके okay. और कैपिटल रिसीव में गवर्नमेंट के पास इतना पैसे आएगा ओके ये ईयर में और इतना बनाएंगे नेक्स्ट ईयर इन द सेम वे आप देखिए एक्सपेंडिचर देखो कितने ज़्यादा है यहाँ पे 20 22 लाख है तो यहाँ पे 31 लाख है 31 लाख से यहाँ पे देखो सत्रह लाख है तो यहाँ पे ऑब्वियसली कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे कैपिटल रिसिप्ट ज़्यादा है पैसे ज़्यादा आए हैं गवर्नमेंट के पास ऑब्वियसली बोरइंग्स लेते हैं और तो आई एम वर्ल्ड बैंक से पैसे लेते भी हैं तो बोरइंग्स इंक्लूडेड है शायद यहाँ पे इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट इतना रखी है सात लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगी गवर्नमेंट ठीक है तो आपको यहाँ पे क्या मालूम होना है कि रेवेन्यू रिसिप्ट थोड़े बड़े हैं कैपिटल रिसिप भी बड़े हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा कुछ नहीं बढ़ा

इंडस्ट्री इकोनॉमी को रिवाइज करने के लिए रिसर्क करने के लिए फिर से चलने के फॉर्म में लाने के लिए गवर्नमेंट एक स्कीम लाई थी दैट इज कॉल्ड एज इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम क्योंकि पैंडमिक इमरजेंसी था वो इमरजेंसी में जो जो भी छोटे छोटे दुकानदार जो के जो जो भी एमएसएमए में काम कर रहे थे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरस्प्राइजेस में वो लोग रेंट एक्सेट्रा दे नहीं पा रहे थे ओके तो प्रोडक्शन पूरा रुक गया था तो बेचेंगे नहीं तो फिर कमाएंगे क्या तो बेचना तो था नहीं तो जब पैंडेमिक हुआ था तो गवर्नमेंट ये स्कीम लाई थी सो so दैट वो अपने जो भी लाइबिलिटीज है थोड़े बहुत पूरे करते रहे करते रहे टिल नॉर्मल सी अचीव हो अपने पैंडेमिक के वजह से ठीक है तो ये स्कीम आई थी कोविड हैज ऑल फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज पूरे जो भी फाइनेंशियल के ऊपर डिपेंड थे पूरे तबाह हो गए एसएमई स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस बाई दिस ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है फॉर योर एग्जामिनेशन ओके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओके हैज

लाख करोड़ का गवर्नमेंट ये स्कीम में देने वाली है एमएसएमई को माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम को कितने देने वाली है गवर्नमेंट लाख करोड़ का देने वाली है उसमें गारंटीड कवर कितना रहेगा पचास हजार करोड़ तो डेफिनेटली जो बैंक दे रहा है उसको वापस हो जाएंगे जो भी बैंक दे रहे हैं इतना तो गारंटीड कवर रहेगा और ये डेफिनेटली इतना देने की गवर्नमेंट के पास इच्छा है ठीक है तो आप याद रख लीजिए कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम एक्सटेंड हो गई है मार्च 2023 तक ये किसके लिए है टू रिवैम टू ट्वेंटी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ये कब लॉन्च हुई थी फेबर ट्वेंटी ट्वेंटी में लॉन्च हुई थी और याद रखिए आप इमरजेंसी ई सी सी एल जी एस वन पॉइंट जीरो ई सी एल जी एस टू पॉइंट जीरो ई सी एल जी एस थ्री पॉइंट जीरो अभी चल रही है ई सी एल जी एस फोर पॉइंट जीरो क्योंकि ये बार 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 हर छः आठ महीने में एक्शन करते जा रहे हैं तो कभी भी अगर आप ये नंबर्स देखते हैं तो आप परेशान मत होइए क्योंकि इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ नया चीज़ आई फाइनेंशियल में नई चीज आएगी कि और ज्यादा बढ़ा देंगे बट बेसिकली फीचर्स पूरे सेम एस एमएसएमई के लिए ही है बट दट एक्सटेंशन हो रहा है मिशन है, like है 2014 में लॉन्च हुआ था गांधी जयंती के दिन अक्टूबर सेकंड पे ठीक है सत्रह में खत्म हो गया था 5 साल का था फिर अभी स्वच्छ भारत मिशन टू टू चल रहा है इसका मतलब वही स्कीम को एक्सटेंड करें ठीक है सो वन पॉइंट इसका मतलब क्या है गवर्नमेंट डिजिटल रिपोर्ट आपको तो पता है क्रिप्टो करेंसी का कितना बड़ा आ, मार्केट चल रहा है आजकल कितना बड़ा पॉपुलैरिटी है ओके और अपन जब आई भी देख रहे थे नॉट एग्जैक्टली आई ये जो आई का टी वर्ल्ड कप था ओके जिसमें आ, आप आ, 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 इंडिया पाकिस्तान को तो मैच देखे होंगे ऑब्वियसली तो वो मैच में आप ये तो ऑब्जर्व करें होंगे कि बात बात को आयुष्मान खुराना आना बात बात को ये रणवीर सिंह आना और दे आर आस्किंग कि ये जो क्रिप्टो करेंसी में सी लाइक like दैट वो ऐप बता रहे थे उसमें इन्वेस्ट करो बोल रहे थे राइट दैट इज़ कॉल्ड एज क्रिप्टो करेंसी ये क्रिप्टो करेंसीज बहुत पॉपुलर है यूथ में हम ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं इसमें ज़्यादा इन्वेस्टर्स कौन है यूथ है हमारे जैसे लोग क्योंकि हम जनरली हमारी थिंकिंग क्या रहती है क्विक मनी बनाना जल्दी जल्दी पैसे बनाना ठीक है और मैं एफडी बनाऊंगा साल के बाद सात परसेंट आठ परसेंट इसमें मज़ा मजा नहीं आ रहा मुझे ठीक है तो मैं ऐसे चैनल ऐसे चैनल क्योंकि यूथ के पास वो रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ है गए तो गए पैसे कोई बात नहीं लगा के देखेंगे दिस इज वॉट द यूथ परस्पेक्टिव इज तो बहुत सारे यूथ में यूथ को इसमें इंटरेस्ट है क्रिप्टो करेंसीज में एक्सेट्रा एक्सेट्रा तो ये ज़्यादातर इसके एडोपशन के वजह से और इसका कुछ रेगुलेशन नहीं है ऑलरेडी आर बी आई ने इसको बैन कर दिया था बट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के वजह से ये फिर से चालू हो गए क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेडिंग एक्सेट्रा आप भी इन्वेस्ट कर सकते वो जस्ट एज ए बिजनेस देख रहे हैं बट अगर ये क्रिप्टो करेंसी को लेके आप खरीदना भी शुरू करें अमेज़ॉन में खरीदना शुरू करें फ्लिपकार्ट में करें खरीदना शुरू करें क्रिप्टो करेंसी से अगर मार्केट चल रहा है तो फिर रुपी के क्या वैल्यू है राइट फिर रुपयी बनाएंगे क्यों नोट छापे यू राइट तो ये पूरा मिस हो जाएगा दैट्स वही गवर्नमेंट अब ये डिसाइड करेगी भाई ये क्रिप्टो करेंसी हम ही बनाएंगे अभी सो आर से ये बोला गया है कि आप एक सी डी सी लाओ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ओके इस तरीके से दिखेंगी वो भी ये भी देखो तो बिटकॉय में है ये एडिथ्रियम है ये लाइट कॉइन है इस तरीके से रहेंगे फेसबुक का भी लिब्रा है तो हमारी भी एक ऐसी डिजिटल कॉइन रहेंगी जिसका नाम रहेगा सी डी सी बी डी सी ओके सो गवर्नमेंट अपने को सी बी डी सी देंगी और अपन उसे भी जैसे कि सौ रुपये की सी बी डी सी रहेंगी हज़ार रुपए की जी बी डी तो हम उसे भी ट्रेड कर सकते हैं हम उसे भी खरीद सकते हैं दैट्स नॉट द इशू उससे पेपर करेंसी कम होगी और पेपर मेकिंग का रिसोर्सेज भी कम होगा और ये जो डिजिटल करेंसीज है वर्चुअल करेंसी से ये बहुत हाई सिक्योरिटी पे चलते हैं तो इसको काउंटरफिट करना डुप्लीकेट बनाना बहुत मुश्किल है वह इस नोट को ईजिली काउंटरफिट हो सकता है अगर एक्सपर्टीज रही तो ठीक है तो वो भी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जा सकती है ठीक है सो so, डिजिटल रुपी Uh, and it is that technology the secure technology with regard to cryptocurrency we call it as what blockchain bolte hain kya bolte hain blockchain okay so digital currency uh, currency will be issued by rbi from 2022 2023 ye saali nikalne wali hai ye this will give a book boost boost to the economy legal tender hogi ye bhi kya hogi digital currency rbi ki legal tender hogi cbdc will become a legal tender मतलब क्या? legally इसको हम use कर सकते हैं खरीदने के लिए. issued by reserve bank of india

बैंक में आपका लोन भी बन सकते हैं आप बहुत काम कर सकते हैं जस्ट लाइक नोट से जो जो कर सकते थे आप बैंक नोट से उस तरीके से आप डिजिटल करेंसी को यूज कर सकते हैं ठीक है राइट सी बी टी सी शुड बी एक्सचेंजेबल वार पार विथ कैश और गवर्नमेंट ये भी बोल दी है कि कैश जिस तरीके से यूज कर रहे हैं उस तरीके से यूज करो ओके मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनेगी खरीदने के लिए बेचने के लिए बनेगा ये यूनिट ऑफ अकाउंट ओके okay, हर यूनिट की वैल्यू रहेगी स्टोर ऑफ वैल्यू अगर आप आज खरीद लो सौ साल के बाद भी उसकी वैल्यू एक ही रहेंगी वैल्यू चेंज नहीं होगी स्टोर ऑफ वैल्यू स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट ओके okay, डिफर्ड पेमेंट मीन्स मैं दस लाख रुपये कैश दूंगा दस लाख रुपये डिजिटल करेंसी दूंगा तो ये चीज आपको एक्सेप्ट करना ही है आप एज ए एज ए सेलर आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं सर मुझे बीस लाख हार्ड कैश दो नहीं बोल सकते आप चेक दो नहीं बोल सकते आप को ये लीगल टेंडर बनाने के बाद में

उट दी वर्चुअल करेंसी एक्सेट्रा फाइन अभी हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन लिंक् स्कीम भी आई थिंक गवर्नमेंट है इनक्रीमेंटल सेल्स पे आपको सब्सिडी मिलेगी इंक्रीमेंटल सेल्स पे सब्सिडी मिलेगी लेट सपोज गवर्नमेंट बोलिए अगर आप सौ यूनिट प्रोड्यूस करते हैं आपको टेन रुपीज सब्सिडी ओके या टेन थाउजेंड सब्सिडी ओके अगर आप वन टेन करते हैं ये टेन के ऊपर मिलेगा आपको सब्सिडी अगर आप वन ट्वेंटी करते हैं तो वन टेन ऑलरेडी आपका बेस था तो आप और कितने बढ़ाए हैं टेन और कितने बढ़ाए जितना ज़्यादा आप हर बारी में बढ़ाते हैं वो उतने ज़्यादा पे ही अप्लिकेबल होती है ये स्कीम ऐसा नहीं कि पूरे बल्क पर होगी पहली बात आप सौ सौ यूनिट बनाएँ आप दस सौ रुपये सब्सिडी लिए बाद में आप बोलेंगे नेक्स्ट मंथ में मैं 120 ट्वेंटी यूनिट्स बनाया आप मुझे दस हज़ार से ज़्यादा दो बारह हज़ार दो ऐसा नहीं होता ऐसा नहीं होता क्योंकि आपकी बेस पे सौ सौ पे आप ऑलरेडी मिल चुके हैं सब्सिडी अभी आप यहाँ पे कितना बढ़ाए हैं बीस यूनिट बढ़ाए तो बीस के ही मिलेंगे आपको तो इंक्रीमेंटल सेल्स पे ही आपको सब्सिडी मिलेंगी याद रखिए और ये डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि कोविड पैंडमिक की वजह से सप्लाई कम हो गई थी और अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा था अगर ये इंडस्ट्री ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करेंगी इससे क्या होगा न्यू ब्रांचेस खुलेंगे न्यू कंपनी न्यू एक्सपेंशन होगा कंपनीज का और अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम भी थोड़ी बहुत कम हो जाएगी ठीक है और सप्लाई भी कंटिन्यूअसली सस्टेनेबल रहेगी सप्लाई भी कम नहीं होगी ठीक है right. राइट ठीक है यहाँ यहाँ पर डोमेस्टिक मैनुफैक्चरिंग की बात हो रही है डोमेस्टिक मैनुफेक्चरिंग इंडिया में डोमेस्टिक मैनुफैक्चरिंग मीन्स इंडियन कंपनीज को भी अपलीकेबल है फॉरन कंपनीज को भी अप्लीकेबल है रिमंबर दिस पॉइंट इसलिए वो बोल रहे हैं कि डोमेस्टिक मैनुफैक्चरिंग दे आर नॉट सेट इंडियन कंपनीज को दिंग है दे आर सेंग दैट वी वॉन्ट टू बूट डोमेस्टिक मैनुफैक्चरिंग इट मींस वॉट एनी थिंग एनी कंपनी विच इज रिजाइडिंग विद इन द टेटोरियल डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया विल बी टेकिंग दिस बेनिफिटिटिफ दैट ओके बजट में

पैसे लगाना डिस इन्वेस्ट का मतलब क्या है पैसे लगाए इस जगह से पैसे निकाल लेना ठीक है जब आप पैसे लगाते तो आप ओनरशिप लेते हैं जब पैसे निकाल लेते हैं तो आप ओनरशिप दे देते हैं ठीक है राइट दिस इज कॉल्ड एज वॉट डिस इन्वेस्टमेंट आई थिंक यू गॉट दिस पॉइंट डिस इन्वेस्टमेंट बेसिकली मीन्स सेल या लिक्विड लिक्विडेशन ऑफ एसेट का मतलब है आपकी कोई भी चीज़ को आप कैश में बदल दो इसको बोलेंगे लिक्विडेशन ठीक है अभी मेरे पास ये फोन है अगर इसको मैं कैश में बदल दो ये हो गया लिक्विड ठीक है कोई भी चीज रहो चीज लिक्विडेशन का मतलब है कन्वर्टिंग एनी फिजिकल थिंग इन टू वट कैश फॉम आई थिंक यू सो डिसमेंट सेल और बाई दी गवर्नमेंट सेंट्रल एंड स्टेट पब्लिक एंटरप्राइजेस ओके गवर्नमेंट के स्टेट के कंपनीज डिस इन्वेस्टमेंट कर देते हैं गवर्नमेंट अंडरटेक्स डिस इन्वेस्टमेंट क्यों करती है गवर्नमेंट अंडरटेक देखिए मेरे पास एक घर है एक मेरे पास एक घर है और एक प्लॉट है ठीक है अब मेरी शादी होगी मेरे को पाँच छः बच्चे हो गए तो सॉरी तीन चार बच्चे हो गए मेरे पेरेंट्स भी है एक्सेट्रा तो मेरी फैमिली बढ़ गई अब ये फैमिली को सस्टेन करने के लिए मेरे पास सैलरी नहीं है सैलरी उतनी मेरे पास आ रही नहीं तो मैं क्या करूँगा जो प्लाट है वो बेच दूंगा राइट और रॉन्ग प्लाट को मैं क्या कर कैश में कन्वर्ट कर दूंगा लिक्विडेट कर दूंगा राइट और रॉन्ग यस ठीक है तो कभी भी मेरे पास शॉर्ट टर्म होती है शॉर्ट टर्म और शॉर्टेज ऑफ फंड्स होती है जब मैं डेफिनेटली लिक्विडेशन पे सोचूंगा यहाँ पे भी गवर्नमेंट के पास भी फिजिकल बड है एक्सचेकर एक्सचेकर में द नथिंग बट गवर्नमेंट की ट्रेजरी में पैसा कम आ रहा है पब्लिक के पास से रेवेन्यूज और रिसिक्स बहुत कम आ रहे हैं बट खर्चे ज़्यादा हैं खर्चे ज़्यादा रहने की वजह से बारोइन करना पड़ रहा दूसरे देश से लेना पड़ रहा दूसरे इंटरनेशनल बैंक से लेना पड़ रहा या गवर्नमेंट के एसेट्स क्या बोलते हैं सो प्रिंट करना पड़ रहा करेंसी ये सब हो रहे हैं तो गवर्नमेंट क्या सोचिए भाई अभी बटन और नहीं डालेंगे फिजिकल डेफिसिट पे फिजिकल डेफिसिट भी बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है ये सही भी नहीं है राइट तो ये क्यों सही नहीं है दैट आप देख लीजिए इकनॉमिक आपके लेक्चर्स में बिकॉज फिर वो एक डिस्कशन अलग होगा सो बेसिकली गवर्नमेंट के पास पैसा उतना आ नहीं रहा है बट ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो रहा है तो ज्यादा एक्सपेंडिचर होने की वजह से यहाँ वहां से लेना पड़ रहा है तो गवर्नमेंट क्या सोची भाई जो भी कंपनीज काम नहीं कर रहे हैं सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज जो भी प्रॉफिटेबल नहीं है उनको बेच दो पैसे वहाँ से ले लो जैसे कि like हम एयर इंडिया परसों रतन टाटा को बेच दिए हैं

तो so, गवर्नमेंट के पास क्या होगा रेवेन्यू शॉर्टफॉल होगा जितना रेवेन्यू एक्सपेक्ट करे उतना नहीं आया एक्सपेक्टेड रेवेन्यू इज लेस शॉर्टफॉल ये एक भी है. So, भी के, जितना के उतना पैसा नहीं आता है तो गवर्नमेंट के पास डेफिनेटली एक्सपेंडिचर ज्यादा ही होते हैं तो भी डिस करने की नौबत आती है तो पैसे तो बर, कैसे भी रेस करना है कहीं से तो भी ठीक है राइट right. तो so, आप देख सकते हैं निर्मला मैडम ने कहा है कि 14 सेक्टर कितने सेक्टर 14 सेक्टर्स को प्रोडक्शन इंसेंटिव स्कीम इज एप्लीकेबल ओके ये इसके वजह से क्या होगा साठ लाख न्यू जॉब्स खुलेंगे और एडिशनल uh, प्रोडक्शन तीस लाख करोड़ का ज्यादा प्रोडक्शन होगा ड्यूरिंग द नेक्स्ट फाइव ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो दिस इन्वेस्टमेंट के लिए अभी गवर्नमेंट ये बोली है कि हम एक न्यू पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज पॉलिसी लेके आएंगे ये पॉलिसी के तहत डिस इन्वेस्टमेंट पूरा किया जाएगा ऑलरेडी ओनरशिप ऑफ एयर इंडिया दे दिए हैं अमन रतन टाटा जी को स्ट्रेटेजिक पार्टनर फॉर एन आई एन एल नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड ओके इसको बेचने के लिए ऑलरेडी एक बैयर को गवर्नमेंट आइडेंटिफाई कर ली है वो बैयर के पास ये गवर्नमेंट की कंपनी चले जाएगी थोड़े दिन के बाद ओके और एल आई सी भी डिसइनवेस्टमेंट हो रहा है एल का आप तो हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे एज़ एस्पिरेंट तो आप देखिए हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर एल की नीलामी हो रही है और एल के इक्विटीज़ बेच रहे हैं ठीक है थीके? तो ये गवर्नमेंट के पास विथ रिगार्ड टू दिस ऑल ऑफ दीज आर द इम्पॉर्टेंट प्रियॉरिटीज़ अभी फिलहाल मेजर ऑब्जेक्ट ऑफ डिसमेश में क्या हो सकते हैं मेन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको ये प्रॉपर्ली लिख दिया हूँ यहाँ पे ये आप लिखना है इसको एलॉबरेट करके और एक्सप्लेन मत करिए एग्जाम में इतना ही लिखे बहुत काफ़ी है ओके इतना ही लिखिए इतने पॉइंट से लिखिए रिड्यूसिंग द फिजिकल बर्डन ऑन द एक्सचेकर इंप्रूविंग पब्लिक फाइनेंस एंकरेजिंग प्राइवेट ओनरशिप फंडिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम मेंटेनिंग प्रमोटिंग कॉम्पिटिशन इन द मार्केट ओके जिस तरीके से गवर्नमेंट कंपनीज परफॉर्म करती हैं उस तरीके से उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उतने खास प्राइवेट कंपनी से कंपीट नहीं कर सकते हैं तो वही गवर्नमेंट के जो भी रिसोर्सेज यूज करके प्राइवेट कंपनी कैन डू मोर आर एंड डी एंड कैन गेट बेटर प्रोडक्ट्स ला सकती हैं और वो प्राइवेट कंपनी से वो कंपीट करके ओके और एक फेयर कंपटीशन भी हो सकता है और कंज्यूमर को मैक्सिमम बेनिफिट भी हो सकता है तो आप यही एग्जाम यही आ, 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 मेंस एग्जाम में डिस इन्वेस्टमेंट के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में इतना ही लिखिए काफ़ी है ठीक है अभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन बजट क्या है ट्रांसपोर्टेशन में क्या क्या दिया गया है लेटेस्ट सी दैट ओके okay. पीएम ने ओके प्रधानमंत्री आवर ऑनरेबल पी एम नरेंद्र मोदी जी हैज़ इनिशिएटेड दिस स्कीम पी एम गति शक्ति स्कीम गति शक्ति का मतलब है जनरली लोग ये बच्चे एनर्जी से रिलेट करते हैं बट ये रॉन्ग है ये एक ट्रांसपोर्टेशन स्कीम है ट्रांसपोर्टेशन भी कैसी मल्टी मोडल ट्रांसपोर्टेशन है इसमें मल्टी मोडल ट्रांसपोर्टेशन है मतलब मल्टी मोड रेलवे से जाओ एयरवे से जाओ यहाँ पे हर तरीके का जाने आने का ओके okay, मटेरियल रहो या पैसेंजर हो जाने आने का ओके okay, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा पीएम गतिशक्ति स्कीम में ओके पीएम गतिशक्ति स्कीम द फाइनेंस मिनिस्टर सेड दैट इट इज ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट यह बहुत जरूरी है इकोनॉमिक ग्रोथ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ओके यहां पे गवर्नमेंट बनेंगे लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्ट्स को डेवलप करेंगी सेस को डेवलप करेंगी रेलवे uh, को रेलवेज के प्लेटफॉर्म्स को डेवलप करेंगी लॉजिस्टिक जहाँ जहाँ भी गाड़ी रुक सकती है जहाँ जहाँ भी प्लेन रुक सकता है जहाँ जहाँ भी ट्रेन रुक सकती है वहाँ पे जो भी लॉजिस्टिक आना जाना इंडस्ट्रियल कॉरिडोर सप्लाई एक्सेट्रा जो भी होता है वहाँ का हम प्रॉपरली इसको डेवलप करेंगे रोड्स डेवलप करेंगे रेलवेज डेवलप करेंगे एयरपोर्ट डेवलप करेंगे पोर्ट्स मास मास ट्रांसपोर्ट ऑल्सो मेट्रोज एंड वाटरवेज तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे ये यह पूरे मल्टी मोड है

2022 तक नेशनल हाईवे कितने बढ़ेंगे 25,000 किलोमीटर का नेशनल हाईवे हम रोड्स लगा देंगे बीस हजार रुपए बीस हजार करोड़ रुपए ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को दे दिए गवर्नमेंट ओके नेशनल रोप वे डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑल्सो कॉलेज पर्वतमाला जो हिली एरिया से जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ी पे जो रहने वाले हैं उनको ऊपर से नीचे जाना बहुत दिक्कत हो रही है वहाँ पे रेल तो उल्टा ऐसा तो नहीं चलेगी वहाँ पे एयरपोर्ट बनाना भी फिजिबल नहीं होगा क्योंकि हिल एरियाज़ में आप क्या ही आ, पर क्या इनकम एक्सपेक्ट करोगे कि वो लोग इतना पैसे वाले होंगे कि प्लेन में बैठेंगे तो वो भी पॉसिबल नहीं है फिर रोड्स में कहाँ से रोड्स करोगे ये पूरे माउंटेन्स वो कट करके रोड कहाँ से बनाओगे ये भी बहुत डिफरेंट है डिफिकल्ट है तो आप समझ सकते हैं कि बेस्ट प्रोजेक्ट क्या हो सकता है जाने आने का ये ये मॉडल को गवर्नमेंट डेवलप करना चाह चाहिए जहां जहाँ भी हिल स्टेशन से जहाँ जहाँ भी हिल एरिया से ओके और ये देखिए आप सॉरी

एक प्राइवेट इंटरप्राइजेज अंबानी रहो या अदानी रहो या आदित्य बिल्ला रहो उनको पकड़ के गवर्नमेंट ये डेवलपमेंट ये प्रोजेक्ट को अप्लाई करेंगे विथ इज कॉलेज ऑफ पर्वत माला प्लीज़ रिम्बर पर्वत पर्वत मीन्स वो पर्वतें हैं ना माउंटेन्स के ऊपर एक माला के तौर पे ये चलते रहेंगे लोग यहाँ से वहाँ मूवमेंट होते रहेंगे ओके okay, इससे क्या होगा कंप्यूटर कम्प्यूटर्स जो भी है हिल एरिया में इजीली पहुँच जा सकेंगे और टूरिज़्म में भी मज़ा आएगा ठीक है ओके दिस इज ऑल्सो एंड ऐसा नहीं कि खाली हिली एरियाज में ही रखेंगे गवर्नमेंट का ये भी प्लान है जहाँ जहां भी अर्बन एरियाज बहुत कंजेस्टेड अर्बन एरिया जैसे कि हमारी हैदराबाद है जैसे कि दिल्ली है मुंबई है या बहुत कंजस्टेड अर्बन एरिया है आप यहाँ पे भी थोड़े जगहों पे ये यूज कर सकते हैं लाइक दैट गवर्नमेंट का ये भी एक प्रपोजल है कॉन्ट्रैक्ट फॉर एट रोपे प्रोजेक्ट लेंथ ऑफ सिक्स किलोमीटर विल बी अवार्डेड सो आठ रोपे प्रोजेक्ट्स है मतलब क्या है आठ जगहों के पास आठ रूट पे यहाँ से यहाँ यहाँ से यहाँ यहाँ से यहाँ ऐसे आठ प्रोजेक्ट्स uh, गवर्नमेंट करी है और कॉन्ट्रैक्ट इश्यू करने वाली है इन दिस ईयर ठीक है राइट और क्या है अदर ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन में गवर्नमेंट हैज इंक्रीज द बजट बजट ओके प्रीवियस से सप्लाई ऑफ मटेरियल बहुत फास्ट हो 2000 किलोमीटर ऑफ कोस्टल एंड इनलैंड Port roads वहाँ पे बनेंगे और 2000 किलोमीटर का strategic हाँवेस। strategic हाँवेस ऐसे हाँवेस होते हैं जिसमें ज़्यादातर माल ज़्यादा जाता है और वो बहुत आ, cities को लिंक करते हैं वैसे को स्ट्रेटेजिक हाईवे बोलते हैं okay. Coastal और लैंड पोर्ट डेवलपमेंट भी होगा दो किलोमीटर ये पूरे एम से के खूबसूरत yes. है वेरी ब्यूटीफुल व्हाइट एंड ब्लू ऑलवेज आई लव ऑल्सो मेरा भी इरा एस का पीपीटी भी व्हाइट एंड ब्लू में ही होता है हमेशा राइट वंदे मात्रा में इज ए इंडिजीनियसली डिजाइन एंड मैनुफैक्चर्ड सेमी हाई स्पीड सेल्फ प्रोपेल्ड टीम हाई स्पीड है खुद का खुद चलती है ड्राइवर की जरूरत नहीं है इसमें सेल्फ प्रोपेल्ड ओके ड्राइवर की जरूरत नहीं है इसका मतलब यह ड्राइवर नहीं रहता वहाँ पे आदमी बैठे वाला रहता बट इसको ऑब्जर्व करना है ऐसा हिलाना नहीं है ठीक है इट कैन अचीव ए मैक्सिमम स्पीड ऑफ वट वन सिक्सटी किलोमीटर पर आवर इतनी तेजी से भागेगी है रिड्यूसिंग जर्नी टाइम बाई ट्वेंटी फाइव टू फोर्टी फाइव परसेंट बहुत अच्छा है

जो भी बजट अनाउंसमेंट है ना वो भी मिलेंगे सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एड कि आपकी इकोनॉमी इन होगी अलॉन्ग विद आपके स्टार्ट भी पूरे प्रॉपरली कवर हो जाएंगे इसमें अभी यह सागरमाला प्रोजेक्ट ये क्या प्रोजेक्ट है ठीक है सागरमाला इज नथिंग बट कि ओशन में जाके कुछ नहीं कर रहे हैं हमारे ही कंट्री के जो भी पोर्ट्स है वो उसको डेवलप कर रहे हैं देखो यहाँ पे देखो बंगाल में हल्दिया है उड़ीसा में पारादीप है ये भी याद रखिए आप विशाखापट्टनम है आंध्र प्रदेश में देन आप चेन्नई में देखिए चेन्नई में यू आर हैविंग व्हाट इन्नोर है कृष्णापट्टनम है ओके िन है ओके, विशाखापटनम कृष्णापट्टनम एनोर आंध्र प्रदेश के यहाँ पे कुडलोर कराईकल टूटिकोरन ये तमिलनाडु के तो आप देख सकते हैं कि डेवलप करना है ये पूरा ऐसा इस तरीके से डेवलप करना है सागरमाला इज ऑल्सो कॉलेज अब ओशन नेकलेस ओशन नेकलेस क्योंकि ये ओशन को लगते हुआ मीन स्पोर्ट्स को लगते हुआ इस तरीके से वो पूरे जाएगी ठीक है राइट सो नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ इंडिया की जो भी 700 500 7500 किलोमीटर की पूरी जो कोस्ट लाइन है अगर अपन यहां से गुजरात से लेके यहां से हम मापना शुरू करेंगे तो पूरी अपनी किलोमीटर कितनी रहेगी कोस्ट लाइन 7500 किलोमीटर की कोस्ट लाइन रहेगी ओके सॉरी 14500 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है उसमें से 7500 किलोमीटर हम डेवलप कर सकते हैं कोस्ट लाइन ठीक है थी ये स्कीम. Okay, अभी में क्या है एलोकेशन ये प्रोजेक्ट के लिए नाइन एट करोड़ दिए थे अभी 211 करोड़ दिए है इन द करेंट बजट थ्री में यह सागर माला प्रोजेक्ट को डबुल एलोकेशन मिला है दो सौ ग्यारह करोड़ ठीक है दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसपोर्टेशन बजट इस तरीके से अपन हेल्थ बजट एजुकेशन बजट ओके एनर्जी बजट क्लाइमेट वार्मिंग बजट तो इस तरीके से हम पूरा बजट पढ़ेंगे इट विल बी वेरी ऑफम लेजर की शेयरिंग सो दैट यू शुड बी ए पार्ट ऑफ इट थैंक्स थैंक